पड़ोसी राज्य हरियाणा में पहुंचे टिड्डी दल ने अब जनपद के महावन तहसील में प्रवेश कर लिया है, जिसकी वजह से किसानों के चेहरे पर दहशत देखने को मिल रही है। 22 मार्च को मोदी जी के आह्वान पर लोगों ने घरों में और गलियों में थाली और ताली बजाकर जन सेवकों का अभिवादन किया था। कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं बलदेव क्षेत्र से, जहां तस्वीरों में बच्चे, युवा और बुजुर्ग थाली बजाते हुए खेतों में दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये थाली जन सेवकों के अभिवादन के लिए नहीं बजाई जा रही, बल्कि ये तो टिड्डियों के लिए बजाई जा रही है। हम आपको बता दें कि पड़ोसी राज्य हरियाणा में करोड़ों टिड्डियों के हमले के बाद अब टिड्डी दल ने जनपद में प्रवेश कर लिया है, जिसकी वजह से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। इन्हीं टिड्डियों को भगाने के लिए किसानों को बर्तन पीट पीट कर शोर मचाकर टिड्डियों को भगाना पड़ रहा है। जनपद मथुरा के तहसील महावन के विभिन्न गांवों में टिड्डी दल ने हमला बोल दिया है। भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष ने टिड्डी दल को लेकर कृषि विभाग पर कई सवाल उठाए हैं। अध्यक्ष जी, इस समय कुछ प्रदेश में एक टिड्डी दल चल रहा है, जो अपने क्षेत्रों में कुछ देखने को मिला है, प्रशासन द्वारा उसके लिए कुछ ऐसी कुछ योजना बनाई है जिससे किसान को राहत मिले? देखिए, क्षेत्र में देखने के लिए नहीं, मथुरा जनपद में 2-3 दिन से लगातार टिड्डी दल और किसी न किसी गांव में देखा जा रहा है, जिससे नुकसान भी हो रहा है। और जिला प्रशासन की ओर से ये कम से कम 15 दिन पहले अलर्ट कर दिया था कि मथुरा में टिड्डी दल आ सकता है, तो जिला प्रशासन की ऐसी कोई हमें तैयारी नहीं दिखाई दी के कोई मजबूत तैयारी हो, इसी के कारण ये इधर उधर घूमने पड़ रहे। अगर मजबूत तैयारी होती तो टिड्डी दल से निपटने के लिए ये लोग तैयार रहते। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की इसमें कमी रही है, सबसे ज़्यादा जो जिला कृषि अधिकारी हैं उनकी कमी मानता हूँ। ना उन्होंने किसी किसान को प्रशिक्षण दिया, ना स्वयं कोई ऐसे इंतजाम किए जिससे इस दल से निपटा जा सके। अच्छा, ये वैसे देखा जाए तो अपने बलदेव ब्लॉक में किन किन जात अधिकतर गांव में कहाँ है? ये बलदेव ब्लॉक में बरौली, मंगना, सराय, गढ़सोली, मडोरा, इन सभी गांवों में मैंने खुद देखा है और मैंने खुद जाके किसानों से बात की है। जहाँ जब टिड्डी दल वहाँ पे था तब मैं स्वयं गया था और जो है शोरगुल मचा के और जो अपने जितने बर्तन और जो भी हैं उसको पीट के शोर से भगाया गया है उनको। जी, किसान इसमें आक्रोश में है, क्योंकि देखिए जब फसल का नुकसान होता है किसान पे, फसल ही तो होती है, तो इसके लिए पूर्ण जिम्मेदारी हम जिला कृषि अधिकारी को देते हैं। जिला प्रशासन का तो इसमें रोल इतना नहीं है, क्योंकि हर विभाग का अलग अलग काम होता है, तो ये जिला कृषि अधिकारी को देखना था, किसानों को प्रशिक्षण देना था कि अकस्मात अगर टिड्डी दल यहाँ आता है मथुरा में तो उनसे कैसे निपटा जाए। किसी को प्रशिक्षण नहीं दिया, खुद की तैयारी नहीं है, इसको लेके हो सकता है भी और बड़ा नुकसान हमको झेलना पड़ेगा।